आहट सुनते ही थाने के मेन गेट पर खड़ी महिला संतरी ने चेतावनी के साथ अपनी राइफल तान दी। कहा, पहचान बताओ, नहीं तो हमला निश्चित है। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, फिर चाहे सामने एसपी ही क्यों ना आ जाए। थाने के बाहर ड्यूटी पर खड़ी इस महिला कांस्टेबल ने ये साबित कर दिया। हालांकि उसे पता ही नहीं था कि वो जिस पर राइफल तान रही है वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि मोतिहारी जिले के एसपी हैं। और ये है वहां का थाना लखौरा, जहां आधी रात में एसपी सुशील कुमार सिविल ड्रेस में अचानक से पहुंच गए, रात के अंधेरे में बिना बॉडीगार्ड। एसपी जैसे ही गेट पर पहुंचे, ड्यूटी में तैनात महिला संतरी ने उन पर ही राइफल तान दी। वहीं जब एसपी ने कोड वर्ड बोला तब जाकर उन्हें थाने में एंट्री मिली। संतरी के काम के लिए वफादारी देखते हुए एसपी ने उसे 500 रुपए का इनाम भी दिया। 500 रुपए का इनाम तुमको दिया गया था। ऐसे ही अटेंटिव रहो, बढ़िया से ड्यूटी करो। एसपी का निरीक्षण यही नहीं रुका, उन्होंने थाने के अंदर पहुंचकर झूठी एफआईआर लिखाने के बहाने केस एंट्री डायरी मंगाकर जांच करनी शुरू कर दी। इस दौरान थाने में तैनात कर्मियों ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद एसपी ने बारीकी से थाने का निरीक्षण किया। हाजत से लेकर टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, कर्मियों की संख्या, थाना में लगे बोर्ड, हर चीज पर एसपी ने बारीकी से निरीक्षण किया। फिर फील्ड में ड्यूटी कर रहे वायरलेस दल का भी हाल जाना। जांच में जो कमियां मिली उस पर उन्होंने जवाब भी मांगा। उन्होंने बताया कि पुलिस का मकसद जनता के जान माल की सुरक्षा करना होता है, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि बिहार में नई सरकार के बनने के साथ ही अधिकारियों के कार्यशैली में बदलाव देखे जा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हाल ही में आधी रात अस्पताल का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे और वहां की हालत पर अस्पताल कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई थी।